हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक है यूए प्रॉफ और एक है सर्विस डिस्कवरी। अगेन शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है मोबाइल कंप्यूटिंग के एग्जाम्स के अंदर, तो शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले यूए प्रॉफ। यूए प्रॉफ की फुल फॉर्म होती है यूजर एजेंट प्रोफाइल, ठीक है। और ये करता क्या है? सो यूए प्रॉफ स्पेसिफिकेशन अलाउस वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल या फिर WAP टू नोटिफाई द कंटेंट सर्वर अबाउट द डिवाइस कैपेबिलिटी, कि जो कंटेंट सर्वर है बेसिकली उसको डिवाइस की कैपेबिलिटी के बारे में बताता है यूए प्रॉफ। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक सर्वर है सपोज, ठीक है, और ये हमारी एक मोबाइल डिवाइस है, देन एक प्रोटोकॉल है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं यूए प्रॉफ। सो दिस इज द प्रोटोकॉल बेसिकली यूए प्रॉफ। और मोबाइल डिवाइस की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, कैपेबिलिटी है, वो सब वो उस सर्वर को बताता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ दिस यूजर एजेंट प्रोफाइल। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। सो डिसएडवांटेजेस क्या है पहले यार उसको देख लेते हैं, देन उसके बाद कौन कौन सी टाइप ऑफ डिवाइस कैपेबिलिटी है उसको बताएगा, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो हर एक डिवाइस के अंदर यूए प्रॉफ स्पेसिफिकेशन नहीं होती, देन डेटा एरर भी हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट है वो बताते सर्वर को, स्लो होता है, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट। तो स्टैंडर्ड्स को भी सेट नहीं किया गया है, तो इसके कारण जो हेडर्स हैं वो भी गलत हो सकते हैं। सो हेडर्स कैन बी रॉन्ग। अब कौन कौन सी डिवाइस कैपेबिलिटी है जिसको ये बेसिकली बताता है, सबसे पहले तो ये बताएगा कि वेंडर कौन सा है, ठीक है, देन मॉडल कौन सा है आपके मोबाइल डिवाइस का, उसका स्क्रीन का साइज कितना है, मल्टीमीडिया की क्या क्या कैपेबिलिटी है, कौन कौन से टाइप ऑफ मीडिया फाइल्स को प्ले कर सकता है, कितने फ्रेम रेट पे प्ले कर सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी, ठीक है, देन कौन सा करेक्टर सेट सपोर्ट करता है वो सब, एंड मैनी मोर। तो ये कुछ डिवाइस कैपेबिलिटीज़ हैं जो ये इन्फॉर्म करता है, ठीक है। अब किस फॉर्म में इन्फॉर्म करता है ये भी तो पता होना चाहिए कि किस तरीके से जाती है ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो मोबाइल डिवाइस है ये क्या करता है, ये एक URL भेजता है WAP को, इट सेंड्स एन URL टू इन वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल, और वो URL सर्वर के पास जाता है। अब इस URL में क्या होता है, बेसिकली जितनी भी आपकी डिवाइस कैपेबिलिटी की इंफॉर्मेशन है वो एक XML फॉर्मेट के अंदर होती है, ठीक है। तो जितनी भी डिवाइस कैपेबिलिटी है बेसिकली वो सब एक XML फॉर्मेट के अंदर यहां पे प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ इस तरह से XML का टैग होगा, वेंडर, जो भी वेंडर का नाम होगा वो लिखा होगा, देन क्लोज्ड। इसी तरह से मॉडल टैग होगा यहाँ पे XML के अंदर, मॉडल का नाम लिखा होगा, देन क्लोज्ड। सो इस वे में जितनी भी कैपेबिलिटी है डिवाइस की वो सब सर्वर तक पहुँचाई जाती है यूजिंग यूए प्रॉफ स्पेसिफिकेशन। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ यूए प्रॉफ। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स सर्विस डिस्कवरी। अब सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल क्या करता है? सो दिस प्रोटोकॉल इजीज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सर्विसेज एंड ऑल्सो यूजिंग देम, कि कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है उसको फाइंड करने का काम करता है और उनको यूज करने का भी काम करने में हेल्प करता है सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सो देर आर लॉट ऑफ सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, बट ईच सिस्टम नीड्स टू बी कॉन्फिगर्ड फॉर ईच सर्विस टाइप विच इज डिफिकल्ट फॉर मोबाइल नोड्स। तो अगर हमारे पास एक सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल नहीं होगा तो जितनी भी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज है उसके हिसाब से अपने मोबाइल डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा सही नहीं है। तो इसके लिए कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं जिसमें आपको मोबाइल डिवाइस को दोबारा से कॉन्फ़िगर ना करना पड़े किसी सर्विस को यूज़ करने के लिए। जैसे उनमें से सबसे पहला प्रोटोकॉल है UPnP, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले प्रोटोकॉल, जिसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, और ये यूज़ करता है DHCP कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो बेसिकली इसमें होता है क्या, UPnP में इट इज जस्ट ए डोंगल एंड व्हेन कनेक्टेड अनाउंसेस इट्स प्रेजेंस। सो इट इज जस्ट अ डोंगल, एक डोंगल की तरह होता है, और जब आप इसको लगाते हो तो ये अपनी प्रेजेंस को अनाउंस कर देता है। सो इट इज जस्ट अ डोंगल एंड व्हेन कनेक्टेड
अनाउंसेस इट्स प्रेजेंस। सो क्योंकि यूनिवर्सल है तो आप किसी भी मोबाइल डिवाइस के अंदर इजीली यूज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होता इसके अंदर। देन ब्लूटूथ, अब ब्लूटूथ हमें पता है इट इज यूज फॉर सर्विस ब्राउजिंग, ठीक है। सो सर्विस को ब्राउज करने के काम में आता है ये, एंड नो रजिस्ट्रेशन ऑन रिसोर्सेज एक्सेस इज नीडेड, नो रजिस्ट्रेशन ऑन रिसोर्सेज एक्सेस। सो ब्लूटूथ के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले के वीडियोज में, आप वहां से भी देख सकते हो ब्लूटूथ के बारे में। नाउ दिस इज वन ऑफ द मेन प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं सर्विस लोकेशन प्रोटोकॉल। ओके, सो किस तरह से काम करता है, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है। वी हैव दिस यूजर एजेंट, एक हमारे पास होता है यहाँ पे यूजर एजेंट, देन DA का मतलब होता है डायरेक्टरी एजेंट, एंड SA का मतलब है सर्विस एजेंट्स। अब यहां पे देखो होता क्या है बेसिकली, जो डायरेक्टरी एजेंट है ये क्या करता है, इसका क्या काम है, इसका काम होता है टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज। सो दिस डायरेक्टरी एजेंट इट मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो यूजर एजेंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है किसी सर्विस की फ्रॉम DA। सो यूजर एजेंट रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस टू DA, दैट इज द डायरेक्टरी एजेंट। और जो सर्विस एजेंट्स होते हैं ये सर्विसेज को एडवर्टाइज करते हैं, सो दे एडवर्टाइजेस द सर्विसेज, ठीक है। ये इन तीनों की बेसिक फंक्शनैलिटी होगी कि क्या क्या काम करते हैं। अब किस तरह से होता है बेसिकली, जो UA है वो सर्विस रिक्वेस्ट करेगा DA के पास, ठीक है। देन DA के पास अगर वो सर्विस प्रेजेंट है, वो सर्विस को फुलफिल कर सकता है, तो वो उसका रिप्लाई कर देगा, सर्विस रिप्लाई। ऐसे ही जितने भी सर्विस एजेंट्स हैं वो अपनी सर्विसेज को रजिस्टर कराना चाहेंगे इस डायरेक्टरी एजेंट के पास, तो वो क्या करते हैं, सर्विस रजिस्ट्रेशन का मैसेज भेजते हैं, और एक बार जब सर्विस डायरेक्टरी एजेंट के पास रजिस्टर हो जाती है तो यहां से सर्विस की एक्नॉलेजमेंट जाती है। तो इस तरह से आपका जो सर्विस लोकेशन प्रोटोकॉल है वो काम करता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव मोर सच वीडियोस नोटिफिकेशन। थैंक यू।